बुकिट ब्राउन कब्रिस्तान में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है, जहां 3000 सिख सैनिकों के बड़े बड़े बुत लोगों की कब्रों की रक्षा करते हैं। सिंगापुर के लोग मानते हैं कि सिख सैनिकों के रहते उनके पूर्वज अपनी कब्रों में सुरक्षित हैं। पिछले काफी लंबे समय से बुकिट ब्राउन सिमेट्री कब्रिस्तान की देखरेख कर रहे 84 साल के चो टाइम कू का कहना है, पिछले 68 सालों से मैं इस कब्रिस्तान की देखरेख कर रहा हूं और चाइनीज लोगों का सिखों में बेपनाह भरोसा है। सिखों ने हमारे लोगों की जिंदा रहते भी हिफाजत की और मरने के बाद भी सुरक्षा कर रहे हैं। पहलू कुछ और भी सामने आए। 85 एकड़ में बने इस बुकिट ब्राउन सिमेट्री कब्रिस्तान में 1,00,000 से ज्यादा कब्रें हैं। '22 में बुकिट ब्राउन में कब्रिस्तान बना और इस कब्रिस्तान में करीब 1,00,000 कब्रें बनाई गई और इन कब्रों की रखवाली के लिए सबसे बहादुर कौम को ढूंढा जाने लगा और पाया गया कि सिख कौम दुनिया की सबसे बहादुर कौम है और सिखों के पुतलों को इस कब्रिस्तान में हर कब्र पर लगाया गया। तब से कब्रों के साथ सिखों का स्टैचू बनता रहा है। दूसरे महायुद्ध में सिखों ने अपनी बहादुरी के जोहर दिखाए और सिंगापुर में रहने वाले चाइनीज लोगों को बचाया, जिससे सिंगापुर के लोग उनके कायल हो गए और उनका विश्वास भी बढ़ गया। सिंगापुर का पहला नाम सिंगापुरा यानी सिंह का पुर यानी शेरों का घर था और इसके बाद नाम बदल कर रखा गया सिंगापुर। सिखों को दुनिया की सबसे बहादुर कौम माना गया है और इस तरह की उदाहरण ये साफ करती है कि सिखों की बहादुरी में विश्वास आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। कैमरामैन गुरमीत मीत के साथ रविंद्र सिंह, पंजाब केसरी, सिंगापुर।